माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तहसील अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रोपवेबाबत सर्व विभागाकडून एनओसी मिळेपर्यंत रामटेक गड मंदिरात बांधण्यात येणाऱ्या रोपवेच्या ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेवर बंदी घालण्याची मागणी केली. रामटेक येथील किरार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी रोपवे बांधकामाबाबत 2017 पासून आतापर्यंतच्या सर्व परिस्थितीची माहिती दिली. त्यात वन विभागाकडून एनओसी न मिळाल्यानंतरही रोपवे बांधकामाचे काम सुरू आहे आणि पुरातत्व विभागाने ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया कशी काढली आहे या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. पिपरिया पेठ ते रामटेकगड मंदिरापर्यंत रोपवे बांधकामाच्या प्रक्रियेला काँग्रेस भाजप वंचित बहुजन आघाडीसह प्रहार जनशक्ती पक्षाने स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला. मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो है जो नागपूर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वड़सा, फिर नागपुर से यवतमाल और नागपुर से रामटेक और ये सब रोड पर चलेगी और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है. एक गडकरी साहब ने 2017-18 में कनान में कांद्रे बोले थे, उन्होंने सार्वजनिक सभा में बोले थे. पहले प्रथम चरण में साई मंदिर आड़ा पुल कनान तक आएगा और उसके बाद दूसरे चरण में रामटेक तक आएगा. हम स्वागत करते माननीय श्री नितिन गडकरी साहब का दूरदृष्टि है. वो अमरावती तक, काटोल तक, इधर भंडारा तक सब जगह वो मेट्रो रेल चलाना चाहते और लोगों को नागपुर से उद्योग जगत से जोड़ना चाहते हैं, रोजगार से जोड़ना चाहते हैं.